दूसरा सवाल, दूसरा शुभा जो जहन में उठता है, मर गए तो मरना ही तो है, अन्न कुम तमूतून, मर जाओगे तुम, तुम मई लेना तुर्जो हमारी तरफ लौट करके आना है, मौत तो हरेक को आनी है। एक बच्चा है अली बनात, ये ईसाई था, अभी 4-5 दिन पहले इनका इंतकाल हो गया। जानते हैं बाथरूम में जब जाता था तो चप्पल बाथरूम की कितने की होती थी, 70-80 हजार की होती, इतना बड़ा आदमी, नौजवान बच्चा, कैंसर के लास्ट स्टेज पर था, इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह का नाम जब आता था तो रोता था, जब अल्लाह का नाम आ जाए तो हम लोगों के दिल नहीं धड़कते, अल्लाह का नाम आता तो रोने लगता था, जारो पता किसी के नाम से भी इतनी मोहब्बत हो जाती है, तो अल्लाह का नाम आता तो रोता था। अभी इंतकाल हुआ 4-5 दिन पहले, अपनी पूरी दौलत, बिलियनेयर था वो, अफ्रीका में मदरसे, मस्जिदें, कॉलेजेस और गरीबों के लिए मकाना, बहुत पैसा, उसके रिश्तेदार दुआ करते थे कि मर जाए। जानते हैं कैंसर के इस लास्ट स्टेज को क्या बोलता था वो, ये अल्लाह का तोहफा है मेरे लिए। बाद लोग बीमारी को अल्लाह तबारक व ताला का आजाब समझते हैं, ये कहता था कि ये कैंसर ये मेरे लिए अल्लाह का तोहफा है, मरने लगा तो आसमान की तरफ उंगली उठा करके बोलता था अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा कि तुम मरने वाले हो, तो मुस्कुरा करके बोला मैं अपने रब से मिलने वाला हूं। कैसे लोग होते, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा है, कुछ चखना है, किसको बचना, तो मसला ये नहीं कि जान कैसे बचाई जाए, मसला ये है कि ईमान कैसे बचाया जाए।